हेलो एवरीवन, आज का डिस्कशन हमारा होगा आउटपुट डिवाइसेस पे। पेरिफेरल डिवाइसेस के कंटिन्यूएशन में ही पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, दोनों तरह के, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट वाले कंप्लीट पोर्शन। तो लास्ट लेक्चर हमने इनपुट यूनिट का लिया था, इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे आज, कि आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है बेसिकली। तो आउटपुट डिवाइसेस को, जो आउटपुट हमारा प्रोसेसिंग के बाद आता है, वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो फिर प्रोसेसिंग का क्या मतलब। तो प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है, वो उसको टू कैटेगरी में हम रख सकते हैं, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी वाले आउटपुट। दो कैटेगरी का आउटपुट होता है। तो हार्ड कॉपी की कैटेगरी में जो आपका आउटपुट है, वो है आपका प्रिंटर, प्लॉटर या माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिके, ठीक है। ये आपका हार्ड कॉपी की कैटेगरी में है। प्रिंटर प्लाटर आप देखते ही रहते हैं, ये सब कंप्लीट। और सॉफ्ट कॉपी की कैटेगरी में आपका मॉनिटर, वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, मैं भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा सबके बारे में। और वीडियो आउटपुट प्रोजेक्टर का होता है, और ऑडियो रिस्पांस होते हैं स्पीकर या हेडफोन के। ये टू कैटेगरी का है। तो इन दोनों में है डिफरेंस क्या है, कि जो हार्ड कॉपी वाले है उसमें किसी तरह का हम एडिट नहीं कर सकते। फिर जो भी हार्ड कॉपी में है, जो भी आ जाता है प्रिंटर से, प्लाटर से या फिर माइक्रोफिल्म में जो चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। बट सॉफ्ट कॉपी वाले में क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, ये डिफरेंट कंप्लीट चेंज है। तो जब भी हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे, आउटपुट यूनिट की बात करेंगे, तो आउटपुट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है आपका मॉनिटर होता है, स्टैंडर्ड वही है। बट इसके अलावा हम डे टू डे लाइफ में प्रिंटर देखते हैं मॉनिटर के अलावा, कभी कभी प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, या फिर आपको हेडफोन या स्पीकर देखने को मिलते हैं। क्या क्या है ये सब, क्या क्या इनका पूरा डिटेलिंग है, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी इन सब डिवाइसेस की, उसके बारे में पूरा कंप्लीट आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट आउटपुट डिवाइसेस पे ही है। तो हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। पहले जो हार्ड कॉपी से रिलेटेड डिवाइसेज हैं, हार्ड कॉपी से रिलेटेड आपका है प्रिंटर। और प्रिंटर की हम बात जब करेंगे, तो टू कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर होते हैं कंप्लीट। जो भी प्रिंटर आप मार्केट में देख रहे हैं अभी तक, उसमें टू कैटेगरीज के, कुछ ऑब्सोलीट हो चुके हैं, दैट इज ओल्ड फैशनड है, अब बहुत कम यूज होते हैं, कहीं कहीं यूज होते हैं बट ऐसा नहीं कम्प्लीटली बंद हो गए हैं, बट ऑब्सोलीट हो गए हैं, ओल्ड फैशनड है। बट अभी जो हमारी कैटेगरी बनती है प्रिंटर्स की, वो होती है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। टू ही कैटेगरीज बनेगी आपकी, इम्पैक्ट प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि दबाव, प्रेशर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, वो टाइप राइटर अप्रोच यूज करते हैं। जैसे टाइप राइटर में टाइप करते हैं तो प्रेस होता है, उसी से आउटपुट डिस्प्ले होता है कंप्लीट। तो उसमें होता क्या है एक्चुअली, कि जो हमारा पेपर होगा, पेपर के पहले एक इंक्ड रिबन होगा, इंक होगा उस पर, उसी पे प्रेशर से जो की होगा हमारा प्रेस होकर उस पर जाएगा इंक वाले रिबन पे, वो उस पर प्रेस करेगा और फिर पेपर पर जाके इंक का इम्पैक्ट होगा और उस इम्पैक्ट से प्रिंटिंग हो जाएगी। तो पूरा इम्पैक्ट प्रिंटर का पूरा कंप्लीट वर्किंग आपकी टाइपराइटर के अप्रोच की तरह है। टाइपराइटर अगर आपने देखा होगा सब जगह, तो टाइपराइटर में जिस तरह से टाइपिंग होती है, इम्पैक्ट डालता है कंप्लीट, वही पूरे अप्रोच से इम्पैक्ट प्रिंटर्स में वर्क होता है। पूरा इम्पैक्ट प्रिंटर की वर्किंग इसी तरह से टाइपराइटर अप्रोच की बेस्ड होती है। फिर उसकी भी कैटेगरी है आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर्स। तीन कैटेगरी के आपके प्रिंटर्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जब भी इस तरह की बातें होती हैं कंप्लीट इसमें, तो डॉट पर इंच कैलकुलेट होता है, कितने नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच होते हैं, मीन्स कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। डॉट्स DPI जिसको बोला जाता है, DPI ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटिंग होगा आपका। तो DPI के ही टर्म में सभी प्रिंटर की क्वालिटीज को देखा जाता है कंप्लीट, जब भी प्रिंटर की बात होती है। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो पर इंच में जितना भी डॉट्स होंगे, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से पता ही चल रहा है। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स और डिजी व्हील जो पहले दो प्रिंटर हैं, वो वन करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करते हैं, एक बार में वन करेक्टर। आप पूरी तरह टाइपराइटर की तरह जैसे वन करेक्टर वो प्रिंट करता है, उसी तरह से वन करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करते हैं। और इसमें से भी डॉट मैट्रिक्स जो होता है, वो 200 से 600 करेक्टर्स पर सेकंड इसकी प्रिंटिंग होती है। एक सेकंड में अप्रॉक्सीमेटली 200 से 600 प्रिंटिंग होती है कंप्लीट। और ये जो प्रिंटर्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ये नॉइजी होते हैं, आवाज़ इसमें आती है, प्रिंटिंग होती है तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ होती है। और इसके कंट्रेरी में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कम नॉइजी होते हैं, उसके कंपेरिजन में नॉइज उस लेवल उसमें कम रहता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होता है, ये टाइपराइटर अप्रोच से होता है, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका नॉइजी
नहीं होता। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वन करेक्टर एट ए टाइम होगा, इसमें 200 से 600 करेक्टर्स पर सेकंड प्रिंटिंग होगी इसमें, और जो इसका डीपीआई होगा जिसको डॉट पर इंच बोलते हैं वो 72 से 360 ये होता है समांतर, इतने होते हैं पर इंच में, 72 डॉट या फिर 360 इसके बीच में ही होता है कंप्लीट, वो डिपेंड करेगा किस क्वालिटी का है। तो नंबर ऑफ डीपीआई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओबियसली ज़्यादा क्वालिटी का प्रिंटिंग हमें मिलेगा। और इसमें जो प्रिंटर्स होते हैं दो अप्रोच के होते हैं, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, 80 कॉलम्स का प्रिंटर और 132 कॉलम्स का। तो जब 80 कॉलम्स का होगा तो जनरली एक टैब बटन होता है उसमें प्रिंटर में, वो टाइपराइटर में भी वही होता है कंप्लीट, टैब से पूरा चलता है। तो इट मीन्स पूरे 8 जो टैब्स 10 टैब्स में पूरा हो जाएगा, क्योंकि 8 करेक्टर का स्पेस अप्रॉक्सीमेटली पूरा लेता है, तो 10 टाइपिंग पे पूरा कंप्लीट हम वन लाइन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 80 कॉलम्स का ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, स्टैंडर्ड प्रिंटर होता है ये, स्क्रीन पे भी 80 कॉलम्स का कई बार बनता है जब हम टाइपिंग से जाते हैं प्रिंट कंप्लीट आता है इम्पैक्ट। बट अभी हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स के, तो 80 कॉलम्स और 132 कॉलम्स के दो तरह के इसमें डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर होते हैं कंप्लीट। इसको जनरली पेरोल के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि काफ़ी एक साथ पेरोल्स का भी प्रिंट होना है, अभी तो कम ही यूज होता है, लेकिन ज़्यादा कर किसी तरह बैंकिंग वगैरह में, इंश्योरेंस में कई बार इस तरह से यूज कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कम यूज हो रहा है क्योंकि अब इस बहुत एडवांस और चीप मतलब सस्ते भी, ये बड़ा वैसे तो वैसे सस्ता पड़ता है डॉट मैट्रिक्स, बट इससे भी सस्ते लेजर प्रिंटर्स अच्छे आने लगे हैं, इसलिए ये यूज कम होना शुरू हो गया है। तो ये पहली कैटेगरी आपकी है प्रिंटर्स के इम्पैक्ट में, वो है डॉट मैट्रिक्स। देन सेकेंड वन इज द डेजी व्हील। डेजी एक फ्लावर होता है, गुलबहार जिसको बोलते हैं, जो डेजी व्हील जिस तरह से पंखुड़ियाँ उसकी चारों तरफ फैली होती हैं उसी तरह का इसका अप्रोच होता है, डेजी व्हील मैट्रिक्स होता है, कंप्लीट सेटअप होता है। इसमें भी वन करेक्टर एट ए टाइम होगा, बट इसका स्पीड बहुत स्लो होता है कंप्लीट, ये मूवमेंट इसका जो होता है इम्पैक्ट का जिस पेपर पर जाना है घूमता रहता है उसी से जाता है। तो 100 करेक्टर्स पर सेकेंड स्पीड, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी इसकी, ग्राफिक्स इसमें नहीं होता है, ये डार्ट मैट्रिक्स से क्वालिटी में बेटर हो जाता है डेजी व्हील, बट स्पीड स्लो होती है, आराम आराम से प्रिंटिंग होती है। ये भी बहुत रेयरली यूज होता है डॉट मैट्रिक्स, बल्कि इसके कंपेयर में कुछ ज़्यादा यूज होता था, क्वालिटी थोड़ी वीक कमज़ोर होती थी तब भी, वीक बेटर उतनी नहीं होती थी, बट डॉट डीजी वेल की उससे बेटर होगी, लेकिन फिर भी ये कम ही यूज किया जाता है। इसमें ग्राफिक्स इसमें भी नहीं होता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स अल्फान्यूमेरिक करता है, सिंबल्स करता है, प्रिंट करता है, इसी तरह से ये भी इसी तरह से होता है, इसमें टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए ही होता है, बट इसमें आपका ग्राफिक्स नहीं होता है। तीसरा इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है आपका वो होता है लाइन प्रिंटर। पहले दूसरे वाले करेक्टर प्रिंटर थे, वन करेक्टर एट ए टाइम, लाइन प्रिंटर होने की वजह से पूरा वन लाइन पूरा एक साथ प्रिंटिंग होती है। तो जनरली इसमें ड्रम, इसे ड्रम प्रिंटर बोलते हैं, लाइन प्रिंटर जो आपका है ड्रम प्रिंटर, इसमें 2500 लाइन्स पर मिनट प्रिंटिंग होती है। ये बल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, कई बार ऐसी प्रिंटिंग होती है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, एक ही तरह का डेटा बहुत बार प्रिंट करना है, दूसरे ड्रम प्रिंटर में ड्रम सेट कर देते हैं तो इकट्ठे लाइन के लाइन बहुत तेज़ी से प्रिंट करता चला जाता है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं होती है, बट कई बार बुक्स की पब्लिशिंग या फिर कई बार कार्ड की प्रिंटिंग होती है तो ड्रम प्रिंटर से इस तरह से फिट करके सेट कर देते हैं, बहुत तेज़ी से प्रिंटिंग होता चला जाता है, काफ़ी लाइन्स एक साथ प्रिंट होती हैं, पर मिनट होती है प्रिंट, तो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा बहुत तेज़ी से प्रिंट होगा, तो लाइन प्रिंटर्स को बोलते हैं ड्रम प्रिंटर को। ये वॉल्यूमिनस प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, क्वालिटी लेजर के कंपेयर में थोड़ी कम होगी, बट इसमें कलर्ड वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी कलर्स होता है इसमें और उस हिसाब से ड्रम में प्रिंटिंग होती है, ठीक है। इसमें सियान, मैजेंटा, आपका ग्रीन, ब्लू, कई तरह के कलर्स होते हैं, सब यूज करते हैं ड्रम प्रिंटर। ये पहली कैटेगरी है आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर की, इसमें सभी में वही फंडा है, फिर से आप सुनिए, इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप राइटर अप्रोच से है, इसमें पेपर और पेपर के जस्ट अपर साइड में आपका होता है इंक्ड रिबन, रिबन होता है जो जिसमें स्याही होती है वो होता है, उसी रिबन पे इम्पैक्ट होता है, जो की जाती हैं प्रेस होती हैं चाहे मूवमेंट हो या ना हो, फिर उसी से प्रिंटिंग होती है, पूरा लाइन का लाइन ड्रम प्रिंटर में एक साथ ही पूरा इम्पैक्ट करेगा तो पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर अगली लाइन इस तरह से प्रिंट करेगा, तो जो इम्पैक्ट करेगा इंक पे वो, तो ये पूरा इम्पैक्ट बेस्ड है, नॉइजी होता है ये, ठीक है, और कलर का कोडिंग थोड़ा सा इसमें कम होता है इस तरह से। ये पहली कैटेगरी हो गई आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर की। सेकेंड कैटेगरी है प्रिंटर की आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल एंड इंकजेट
टेक्नोलॉजी। इंकजेट का मतलब जेट स्ट्रीम, आपने कभी पानी देखा है, कभी फवारा बहुत तेजी से पानी कहीं कार वॉशिंग में उसमें करते हैं, जेट की तरह होता है, सब एक लाइन में आ जाता है, बहुत फोर्स जनरेट होता है, तो उसी से कंप्लीट, तो जेट अप्रोच होती है, इसी तरह से एक साथ स्टिमुलेट होकर एक डायरेक्शन में पूरा कंप्लीट प्रिंटिंग हो जाती है, जेट अप्रोच, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कंप्लीट उससे होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग न करके इसमें दूसरे तरह से प्रिंटिंग करते हैं, की प्रेस न करके दूसरे तरह से प्रिंटिंग होगा, वो कंप्लीट करेक्टर के शेप में ही जाके इंक ही उस पर सेटअप होगी पेपर पे। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स होते हैं, जाके वहीं पूरा सेटअप होता है, बहुत अच्छे से प्रिंटिंग होती है। इसमें भी टू कैटेगरी हैं आपकी, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर्स। तो इंकजेट प्रिंटर्स जनरली 500 DPI से ज़्यादा होता है, डॉट्स पर इंच जो यूज होता है इसमें कंप्लीट 500 के ऊपर होता है। इसे होम और ऑफिसेज में करते हैं, कलर प्रिंटिंग के लिए, ब्लैक एंड वाइट दोनों के लिए ज़्यादा करके यूज करते हैं इसे काफ़ी, लेकिन ये बहुत हैवी ड्यूटी नहीं होता है। अब लास्ट जो प्रिंटर है इसमें, जो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का अगला प्रिंटर है, वो लेजर प्रिंटर, ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर है, मोस्ट वाइडली यूज हो चुका है आजकल। लेजर प्रिंटर ने और सभी प्रिंटर्स को लगभग रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग एक साथ बल्क में हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग होती है, और इसको बोलते हैं पेज प्रिंटर, इसीलिए पूरा पेज का पेज पूरा होगा, कई बार दोनों साइड डबल साइडेड प्रिंटिंग कर देता है जल्दी से कंप्लीट सब चीज़ें। ये 5 to 24 पेजेस पर मिनट अब और भी ज़्यादा स्पीड हो गए, बहुत हैवी ड्यूटी हो गए, इससे भी ज़्यादा पेजेस पर मिनट कवर करते हैं जल्दी जल्दी, पर मिनट हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होने लगे। शुरुआत का है 5 to 24 पेजेस पर मिनट, और इसमें जो DPI होगा 400 से 1200 DPI होता है डॉट पर इंच। तो ये लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत चीप भी होने पड़ने लगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वैसे, लेकिन ओवरऑल आप जब देखेंगे एक बार शुरू का इनिशियल कास्ट है, उसके बाद लेजर प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी होता है और बहुत अच्छे से प्रिंटिंग होती है। क्वालिटी जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स इसमें यूज हो जाते हैं, कंप्यूटर से सीधे सीधे करेक्टर्स जिस तरह के भी चाहेंगे वो प्रिंटिंग करेंगे, और बहुत अच्छी प्रिंटिंग होती है इन दोनों कैटेगरी में, जो नॉन इम्पैक्ट में है, चाहे इंकजेट हो चाहे लेजर हो, दोनों में कंप्लीट। तो ये तो फर्स्ट डिवाइस हमने आउटपुट में डिस्कस किया, जो हार्ड कॉपी में था आपका प्रिंटर। प्रिंटर सामान्यतः हम देखते भी हैं डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में, होम में, और हर जगह ही प्रिंटर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो प्रिंटर ये कंप्लीट इस तरह वाला प्रिंटर हो गया, जो कि हार्ड कॉपी में प्रिंटर्स की कैटेगरीज थी, आप दो कैटेगरी देखें। सेकंड है इस सीरीज में आपका जो हार्ड कॉपी में है, प्लॉटर। प्लॉटर का यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, इसको ऑटोकैड और कैम में यूज किया जाता है, ग्राफ जो बड़ी बड़ी प्लॉट्स ड्राइंग्स बिल्डिंग्स की जो होती हैं वो सब इसमें कंप्लीट यूज किया जाता है, और उसी की प्रिंटिंग की जाती है। तो बड़े बड़े पेपर होते हैं, बहुत साइज होती है। हाँ, एक्चुअली हमारे आपके लिए क्वेश्चन भी है कि A4 का पेपर आप सुने होंगे आप सभी लोग, तो A3 का पेपर क्या A4 से बड़ा होता है? तो चलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, वो बड़ा होता है। तो क्या क्या डिफरेंट पेपर की साइजेज हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप जानते हैं या सुने हैं, तो आप जानिए कि हाँ A3 A2 A1 जो पेपर्स हैं वो उनके साइज़ कैसे बड़े होते जा रहे हैं, कौन कौन से पेपर प्लॉटर में यूज किए जाते हैं, ये सब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या क्या कैटेगरी है, क्या साइज है उनका, स्टैंडर्ड साइज A4 पेपर्स का क्या होता है, A3 का क्या होगा, A2 का, A1, इलीगल पेपर्स क्या होते हैं। चलिए, अभी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक था आपका कि क्या क्या साइजेज होते हैं पेपर के। अभी फिर मुद्दे पे आते हैं कंप्लीट कि प्लॉटर्स के लिए, तो प्लॉटर आपका ऑटोकैड की ड्राइंग्स के, बिल्डिंग्स वगैरह के ड्राइंग्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कैम के लिए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के जो पूरा ड्राइंग्स होते हैं कैड कैम के, उन सब के लिए यूज करते हैं। और जो प्लॉटर होता है वो वेक्टर ग्राफिक्स पे आउटपुट जनरेट करता है, वेक्टर ग्राफिक्स यूज करता है कंप्लीट आउटपुट। और इसमें भी टू कैटेगरी है आपकी, ड्रम प्लॉटर होता है और फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। ड्रम वाले केस में जो इसमें जो ड्रम होता है, ड्रम प्लॉटर में ड्रम ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहता है, जो पेन होता है जिससे ग्राफिक्स की प्रिंटिंग, वेक्टर ग्राफिक्स की प्रिंटिंग होती है, वो स्टेशनरी होती है। ड्रम प्रिंटर के केस में ड्रम अपना क्या करके मूवमेंट करता रहेगा, उसी पर रहेगा वो पेन, स्टेशनरी रहेगी, जब जिस पे प्रिंट करना होगा ड्रम उस पोजीशन पे आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए उस पर ड्राइंग में प्रिंट होता चला जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा प्रिंटर इसमें होता है फ्लैट बेड, इसमें पेपर फिक्स होता है, पेपर नहीं मूव करता। ड्रम पे पेपर होता था ड्रम प्लॉटर के केस में, वो मूव करता था, इसमें क्या होता है पेपर फिक्स होता है, और जो जिससे प्रिंटिंग होनी है जिस पोजीशन से, जिससे कंप्लीट पेन से, वो स्टेशनरी मूवमेंट में रहती है, वो आता है जो प्रिंट करना होता है वो करता है, तो एकदम स्ट्रेट होता है, फ्लैट बेड होता है, इसलिए फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। तो दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं कैड कैम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत हार्ड कॉपी का सेकेंड कैटेगरी है प्रिंटर के अलावा आपका
प्लॉटर जिसमें बिल्डिंग के लिए, ड्राइंग्स के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। देन थर्ड है आपका माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिके। इसमें इस वाले कैटेगरी में क्या होता है, ये हमने आपने देखा है पुराने कैमरे हों तो आपको आइडिया होगा, उसमें फिल्म होती है बहुत छोटी सी दिखती हैं, जो रील जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अभी कम ही वो यूज होते हैं कैमरे, बहुत कम ही, क्योंकि डिजिटल कैमरा आ जाने के बाद बहुत बार यूज कर सकते हैं, रीयूज नहीं हो सकते हार्ड कॉपी वाले जितने भी हैं, मतलब फिर से उसमें एडिट नहीं कर सकते, एक बार फिल्म बन गई तो बन गई। तो वो एक्सरे वगैरह के लिए, मेडिकल एक्सरे के लिए भी ये स्टोर करके रखते हैं। तो जनरली जो हमारा ओरिजिनल जनरेट होके आता है इमेज, उसका 1/24 साइज का फिल्म एक होती है, उसे आप देखेंगे बहुत तेज़ी से धूप साइड तो आप दिखेगा बहुत छोटा सा है इमेज, उसी को फिर बड़ा बनवा सकते हैं, उसको डेवलप करा के प्रिंटिंग करा सकते हैं फिर बाद में, तो वो फिल्म में स्टोर हो जाता है, तो इसे माइक्रोफिल्म बोलते हैं। और कॉम बोलते हैं एक्चुअली इसको, माइक्रोफिल्म मीन्स होता है आपका कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म, कॉम बोला जाता है ये। और ये बैंकिंग, इंश्योरेंस में कई जगह इस तरह का रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, आउटपुट का फिल्म बना के रख देते हैं। ये हाई स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इससे टर्सरी मेमोरी के भी कैटेगरी में रखा जाता है कई बार आउटपुट इसका, डायरेक्ट फिल्म बना बना के टेप में पूरा इस तरह से रख लेते हैं, माइक्रोफिल्म बना के कॉम बोला जाता है, बताया मैंने आपको, और इसको यूज़ करते हैं। जनरली जो इसमें रोल होता है 60mm वाइड का रोल होता है जो यूज़ करते हैं कंप्लीट, और जो फिल्म की साइज़ हमने बताया है कि जो ओरिजिनल साइज़ है उसके कंपेयर में 1/24 का सामान्यतः होता है, और छोटा भी बड़ा भी दो तीन और भी तरह के होते हैं, बहुत छोटा भी बनता है फिल्म, उसी को बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा बनाने के लिए, लेकिन इसमें एडिट नहीं होता किसी तरह का। तो ये नॉन एडिटेबल होते हैं हार्ड कॉपी वाले जितने भी हैं, टेंजिबल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंजिबल जब आएगा अगला सॉफ्ट कॉपी वाले डिवाइसेज, उसकी हम उसका डिस्कशन अभी करेंगे हम। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आप आउटपुट यूनिट था आपका, आउटपुट डिवाइसेज थी आपकी, उसमें आपने पढ़ा प्रिंटर, प्लॉटर और माइक्रोफिल्म के बारे में, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है आपके सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड। सॉफ्ट कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर के बारे में जब हम आएंगे तो मॉनिटर की टू कैटेगरी होती है, मोनोक्रोम मॉनिटर्स एंड कलर्ड मॉनिटर, कलर डिस्प्ले। तो अभी आजकल मैक्सिमम मॉनिटर आपके कलर वाले ही हैं, मोनोक्रोम बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, पिछले 20-25 साल से ही कलर्ड मॉनिटर ही ठीक से चल रहे हैं, बहुत कम ही मोनोक्रोम मॉनिटर देखने को, जैसे टीवी का है, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, आजकल कलर टीवी आ रही हैं कंप्लीट, तो मैक्सिमम कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट कम देखने को मिलती है इसी तरह से। तो मोनोक्रोम में जो 256 शेड्स होती हैं, क्योंकि 8 बिट का अगर 1 पिक्सल है तो इसमें पिक्सल का कांसेप्ट आएगा, एक्चुअली पिक्सल PIXEL पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट्स। तो पिक्चर एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने वो बनेंगे कंप्लीट, पिक्सल की वैल्यू पे पूरा डिपेंड करेगा, और पिक्सल पे कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो एक पिक्चर एलिमेंट के लिए अगर वो 8 बिट में स्टोर होता है तो 2 to the power 8 दैट इज 256 शेड्स बनेंगे, 0 से लेकर 255 तक, तो कुल 256 शेडिंग पूरी हो सकती है जो मोनोक्रोम में होगी, मीन्स एकदम ब्लैक से एकदम व्हाइट तक बीच में शेड्स जो बनेंगे, ग्रे स्केल इमेजिंग इसको बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट 0-1 होता है सिर्फ कंप्लीट, लेकिन उसमें जो शेड्स बनेंगे थोड़े से कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट में भी, वो भी 8 बिट का होने की वजह से 256 शेड्स बनेंगे कंप्लीट मोनोक्रोम में। ये पहली कैटेगरी होगी मॉनिटर की, दूसरी होगी कलर की। कलर में कलर डिस्प्ले जो होता है वो उसके अडैप्टर पर डिपेंड करता है, कौन सा हम वीडियोग्राफिक्स अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी कई कैटेगरी हैं। चलिए आपके लिए यह है कि सभी का फुल फॉर्म आपको बताना है, CGA, EGA, VGA, XGA, SVGA, ये सब डिफरेंट कलर अडाप्टर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और इसी के बेसिस पे पहले जो कंप्यूटर असेंबल किया जाता था तो ये ग्राफिक्स कार्ड इसको बोलते थे, अलग से इसे इंस्टॉल किया जाता था कंप्लीट। जब अभी आजकल इनबिल्ट मदरबोर्ड पे आने लगा है, पहले इनबिल्ट नहीं होता था ये मदरबोर्ड पे, तो अलग से ग्राफिक्स कार्ड परचेज करते थे, तो फिर पता किया जाता था कौन सा है, CGA है, EGA है, VGA है, या XGA है, या SVGA है, सभी की अलग अलग कैटेगरी है, सभी की अलग अलग क्वालिटीज हैं, बट ये अल्टीमेटली कलर का ही होगा। ज़्यादा बेटर कलर देने के लिए आजकल गेम्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है, जिससे बहुत अच्छा दिखे मॉनिटर में, इस तरह का यूज करते हैं। तो ये कौन कौन से अडाप्टर है उस बेसिस पे कलर डिस्प्ले बहुत उस तरह का होगा, ट्रू कलर कितने बिट का है, कितने बिट्स में स्टोर हुआ है, RGBY किस किस तरह से आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा वैल्यूज होती हैं कुछ उन किस किस तरह से इसका होगा। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का पोर्शन है, थोड़ा उसकी टेक्निकलिटी कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है, आपको उतना डिटेल नहीं, आपके लिए अभी ये है कि आप ये सब जानिए कि कौन कौन से अडाप्टर होते हैं, इनका फुल नेम जान जाइए, उतना ही सफिशियंट है। जो इसका इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स है, जिसको पिक्सल बोला जाता है, जो डॉट्स पर इंच आ रहा था कंप्लीट, जो पॉइंट्स था उसे पिक्सल दैट इज पिक्चर एलिमेंट बोला गया है, वो तीन चीज़ों से अफेक्टेड होता है। फर्स्ट वन इज द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, आपने नाम सुन भी रखा होगा कि 800 बाई 600, 1024 बाई 768,
इट मीन्स इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स, पिक्चर एलिमेंट्स हैं उसमें पूरे, उन्हीं के हेल्प से पूरा कंप्लीट बना होगा ग्राफिक्स। तो वन पिक्चर एलिमेंट मे बी स्टोर्ड इन 8 बिट, इट मे बी स्टोर्ड इन 32 बिट, 24 बिट। 8 बिट होगा जब मोनोक्रोम होता है, अदरवाइज ये आपका 24 बिट में 32 बिट में स्टोर होगा। तो समझ लीजिए कितने ज़्यादा लेवल के कलरिंग इसमें, कलर कोडिंग स्टोर की जा सकती है, तो हर एक एक पिक्सल पे। तो कुल टोटल रिजोल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करता है 800x600, इट मीन्स 800x600 का पूरा साइज में इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके होंगे इतना मल्टीप्लाइड में, या फिर 1024x768 इतना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ पिक्सल्स यूनिट एरिया में, ज़्यादा होगा रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा आपका जो भी डिस्प्ले होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा कंप्लीट हाई डेफिनेशन में। और दूसरा होता है डॉट पिच, ये होता है डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स, दो कलर्ड पिक्सल्स हैं, कई डॉट डॉट्स होंगे पूरे कंप्लीट स्क्वायर शेप में, तो उसके बीच जो डायगोनल डिस्टेंस होती है उसे डॉट पिच बोलते हैं कंप्लीट। तो डॉट पिच पे डिपेंड करता है इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स का, जो पिक्सल्स का। और तीसरा है रिफ्रेश रेट, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देगा। रिफ्रेश रेट ये होता है जो भी पिक्सल्स होते हैं उनको, उनका जो कलर होता है फेड होगा, इसलिए उसकी रिफ्रेशिंग की जरूरत बार बार पड़ती रहे, जल्दी जल्दी रिफ्रेशिंग होगा पर नैनो सेकंड में इस तरह से रिफ्रेशिंग होती है, या फिर और भी जल्दी जल्दी होती है, जिससे हमें कंटिन्यूअस बहुत अच्छा क्वालिटी का कलर दिखता रहे। कई बार कलर चला जाता है, आप टीवी में देखते समय देखते होंगे तो थोड़ा सा ब्लर आता है, या फिर इस तरह से आता है कि बहुत ब्लैक एंड वाइट टाइप का आने लगता है। तो रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा रहने पे बहुत क्वालिटी जो है रेगुलर मेंटेन रहेगी, जो चार्ज रहेगा पिक्सल्स का वो चार्जिंग रेगुलर होती रहेगी, उसे फिर से एम्पलीफाई करते रहे कंप्लीट, तो वो रिफ्रेश रेट होता है। इन सब पे डिपेंडेंट होता है कलर्ड मॉनिटर। तो चलिए, तो मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले के मॉनिटर हैं, दो कैटेगरी हैं, और सब में क्या क्या चीज़ें होती है ये हैं, लेकिन अब इन सबको डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स, किस किस तरह के मॉनिटर हम मार्केट में देखते हैं, तो उसमें फर्स्ट आपका होता है सीआरटी मॉनिटर, जो कि बहुत कम ही दिखता है वैसे, वो होता है कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर होता है। सेकेंड एलसीडी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी मार्केट में, फ्लैट जो मॉनिटर्स आने लगे हैं वो एलसीडी बेस्ड हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर एलईडी के भी मॉनिटर आ गए हैं मार्केट में, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये तीन कैटेगरी के मॉनिटर्स इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सीआरटी, एलसीडी और एलईडी, तो एलसीडी ज़्यादा पॉपुलर है अभी, फ्लैट है थोड़ा सा बल्की नहीं रह गया, अदरवाइज सीआरटी का ट्यूब बहुत पीछे तक होता था तो काफ़ी बहुत बल्की सा होता था वो मॉनिटर। अभी एलसीडी क्या है, बल्की नहीं है, फ्लैट है, बहुत आसान हो गया, उसे कैरी करना बहुत आसान हो गया, तो काफ़ी इस तरह के मॉनिटर्स ज़्यादा आ गए। तो सॉफ्ट कॉपी वाली कैटेगरी के जो आउटपुट डिवाइसेज हैं उसमें मॉनिटर के बारे में जो बेसिक डिस्कशन था आपका कि क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए था ओनली। अब इसकी डिटेलिंग तो बहुत होती है, खुद ही अपने आप में एक अलग से ऑडियो वीडियो इंजीनियरिंग का पोर्शन होता है, सब चीज़ें बहुत डिटेल में होती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं आपके VDT पे, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। होता क्या है इसमें VDT में, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में, अभी ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर के साथ ही होता है कि एक हमारा मेन कंप्यूटर होगा उसके साथ कई टर्मिनल्स ऐड होते हैं, टर्मिनल पे सीधे काम करते हैं। टर्मिनल पे दो ही चीज़ें होती हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड और मॉनिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे VDT बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल बोला जाता है, या थिन क्लाइंट भी बोला जाता है उसको, दो नाम है उसके। तो ऐसे में जो सॉफ्ट कॉपी जो हमारा होता है कंप्लीट, वो टर्मिनल भी होते हैं, तीन कैटेगरी के होते हैं, एक होता है डम्ब टर्मिनल, दूसरा होता है स्मार्ट, और तीसरा इंटेलिजेंट। तो जो डम्ब टर्मिनल होगा उसके पास खुद की मेमोरी वगैरह कुछ भी नहीं होगी, उसकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी नहीं होगी, सिर्फ कीबोर्ड होगा, मॉनिटर वहाँ पर डिस्प्ले होकर आएगा, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ से काम करते हैं उनसे, वो इसी तरह से डेटा एंट्री वाले होते हैं, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस एंट्री करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है, इस तरह के डेटा एंट्री के लिए यूज करते हैं सामान्यतः इसको। और दूसरे तरह का टर्मिनल होता है इसमें VDT में, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में, होता है आपका स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल में स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, बट स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, वो प्रोसेसिंग कर लेता है, थोड़ा स्मार्ट होता है बट वो स्टोर नहीं करेगा, स्टोर अल्टीमेटली सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम होगा वहीं पर होगा। और तीसरा इंटेलिजेंट कंप्यूटर होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल में प्रोसेसिंग भी होता है और स्टोरेज भी होता है। चलिए इसके पिकुलरिटी में, इसके स्पेशलिटी में ज़्यादा आप मत जाइए, बस ये जानते रहिए कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में कीबोर्ड और मॉनिटर के कम्बिनेशन से कुछ टर्मिनल्स दिए होते हैं, क्योंकि एक साथ एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एक साथ 100-200 लोग काम कर रहे होते हैं, तो सबको अलग अलग कैटेगरी के टर्मिनल्स दे देते हैं कौन किस लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक ही होता है, एक ही कंप्यूटर पर इतने टर्मिनल्स, इतने आउटपुट डिवाइसेस दी जाती है, सब अपने अपने काम करते हैं और पूरा एक साथ कोलोबरेट हो जाता है, तो ये हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है,
सामान्यतः इसे थिन क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर में ना यूज करके मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है इसको। इस तरह के टर्मिनल हो गए जो कि आपके सेकंड कैटेगरी थी वीडीटी की। थर्ड आपका वीडियो आउटपुट का प्रोजेक्टर है, इसे भी हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, टीचिंग पर्पज के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP बोला जाता है, ऊपर से प्रोजेक्टर होता है डायरेक्ट कंप्यूटर जाता है, या फिर यहाँ से सीधे आजकल मोबाइल में भी प्रोजेक्टर की तरह यूज कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि बड़े में दिख जाए, ठीक है, मोबाइल के साथ भी। हालांकि ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज प्रोजेक्टर से बहुत ज़्यादा टीचिंग या फिर ऐसी चीज़ों में, प्रेजेंटेशन में, इंडस्ट्री में, हर जगह यूज होता है प्रोजेक्टर। तो ये अगला डिस्प्ले हो गया प्रोजेक्टर में, छोटे साइज को बहुत बड़े में दिखा लिया जाता है। प्रोजेक्टर से ही मूवीज़ भी देखते हैं हम लोग थिएटर में, सब जगह प्रोजेक्टर का ही कमाल होता है, छोटी फिल्म को बड़े में दिखाना, प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो आउट वीडियो आउटपुट कहेंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट कॉपी में ऑडियो रिस्पांस। ऑडियो रिस्पांस में आपका स्पीकर और हेडफोन या हेडसेट होता है, जिससे स्पीकर के थ्रू, कई कैटेगरी के स्पीकर हैं, कई कैटेगरी के हेडफोन्स हैं, हेडसेट्स हैं, उसके थ्रू आउटपुट होता है। तो जो सॉफ्ट कॉपी वाले जितने भी आउटपुट हैं उसमें हम एडिट कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी में नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी में प्रिंटर, प्लाटर और माइक्रोफिल्म, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते हैं, टेंजिबल होता है वो, ये नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था आपको आउटपुट पोर्ट, इसमें आउटपुट डिवाइसेज के बारे में, पेरिफेरल डिवाइसेज में आउटपुट डिवाइसेज में क्या क्या है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, इसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन रहा। अब फिर आगे हम IO पोर्ट के बारे में बताएंगे, इनपुट आउटपुट का पोर्ट कैसे यूज होता है, कैसे कैसे डिफरेंट कैटेगरी के पोर्ट यूज होंगे, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। और USB पोर्ट वगैरह होता क्या है ये एक्चुअली, और कहाँ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी ये डिस्कशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।